गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी नौकरी और बिजनेस के लिए गांव से शहर और फिर शहर से विदेश चले जाते हैं, लेकिन श्रीधर वेम्बू नाम के एक बिजनेसमैन ने इस धारा को ही पलट दिया। जी हां गाइस, साल 1994 में श्रीधर ने अमेरिका की कंपनी में नौकरी शुरू की थी, लेकिन 2 साल काम करने के बाद उनका वहां मन नहीं लगा और वो जॉब छोड़कर भारत लौट आए। यहां आकर उन्होंने जोहो नाम का एक स्टार्टअप खोला। स्टार्टअप की खास बात यह थी कि श्रीधर ने यह स्टार्टअप तमिलनाडु के एक छोटे से गांव माथलम पराई से शुरू किया था और आज ये स्टार्टअप 18,000 करोड़ का हो चुका है। यही नहीं, जोहो कंपनी का मुख्यालय भले ही चेन्नई में हो, लेकिन बावजूद इसके श्रीधर अपना सारा काम अपने गांव के ऑफिस से ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंडिया के गांव का विकास होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और इसी मकसद के साथ श्रीधर ने गांव में रहकर ही ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। गाइज, सलाम है ऐसी सोच को। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।